जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर वो चला जाए तो समझ जाए, सही है वो शाम की। और नहीं जाए और आपकी इतनी इमरजेंसी हो गई, मजबूरी हो गई कि अगर आप उसको ना हटाते, हमला ना करते, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते, तब फिर तो ठीक है। तो ये मैं सिर्फ सांप तो स्पेशलिटी, लेकिन उसके अलावा भी जितने जानवर हैं ना, इस तरह से कह दें अगर आपके पास मौका है कहने का। अब जी एक बात तो ये हो गई कि जी वाकईतन ऐसी चीज हमने नहीं देखी और कई दुनिया ने भी नहीं देखी, मुझे कोई इससे रिलेटेड कोई तस्वीर वीडियो पिक्चर नहीं मिल सकी, कोई ऐसा वाक्य मैंने भी नहीं दुनिया से। ठीक, दूसरी बात, अगर ये सांप ही था, अगर ये नॉर्मल सांप गिर गया कुएं में, ऊपर जा रहा था वो मट्टी की स्लिप होकर गिर गया कि शिकार के पीछे गया, स्लिप हो गया, गिर गया नीचे, रात को कहां गया? मैं यही देख रहा था कि इसकी कोई रीख नहीं कि जमीन पे सब वो मिले, निशानात मिले ना। सांप तो मट्टी पे, वहाँ कच्ची मट्टी पड़ी हुई थी किसी भी जगह ना, ये बहुत बड़ा सांप था इसकी तुम के, ये जमीन पे ऊपर नहीं था ये सांप कोई भी ना, ये सांप ऊपर नहीं था। हम पीछे भी गए, कहीं पे भी कोई रीख नहीं, निशानात नहीं मिले। इत्तेफाक आप देखिए, इत्तेफाक देखिए, हमें इसके अलावा हाँ इस पूरी जगह पे कुछ सांप का बच्चा नहीं, सांप का बच्चा मिला तो कहाँ मिला? कुएं के अंदर, जहाँ होता नहीं, जहाँ नहीं होता। अब ये आपने देख लिया, ये शाम में जो हमने रिकॉर्ड किया है, जिसको आपको थ्रेशोल्ड करके दिखाया, ये देख रहे हैं आप, ठीक, और जूम किया है इसको, ये चेक कर रहे हैं और डीप जूम किया ताकि आप आसानी से देख सकें कि कैसे जो है ना। अब ये वो रात का मंजर है जब हम ढूंढ रहे हैं कि ये गया तो गया था, हमने वैसे तो देख ही लिया था, लेकिन आप थ्रेशोल्ड करके भी देख रहे हैं कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं। ये देखिए सारी सरफेस बंद है। अब ये जगह, अब मुझे बताएं जी, जितना वो चमकदार है, जितना बड़ा वो है, वो तो अंधेरे में भी नजर आ रहा था और आपने तो अब थ्रेशोल्ड भी कर दिया, इसमें फिल्टर होता है, उससे चीजें बड़ी वाजे हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। अब मुझे बताएं इस पूरी जगह पर, मैंने वहां से भी रिकॉर्ड किया था, यहाँ से भी रिकॉर्ड किया था, कहां गया? किनारे जब भी दिखता रहा तो कुआं तो हम ऊपर से टॉप से ही देख रहे हैं, टॉप से तो हर एक चीज वाजे हो जाती है। इतना छोटा नहीं था, कि नहीं था। कोई हिस्सा नजर नहीं आता, वो बहुत बड़ा और इतना बड़ा कि उसको नजर आना चाहिए, और इस वक्त उसको आजाद होना चाहिए क्योंकि कुएं में अंधेरा होता है, दिन में तो सांप निकलता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, हमें दिन की रोशनी में सांप मिला, ये तो अंधेरे में बाहर निकलते हैं, इंफ्रारेड में देखते हैं। इस वक्त तो सुबह नहीं कोने में बैठा होना चाहिए शिकार के लिए। इस बात में तो जी मेरे भाई कोई शक नहीं है कि बेशक हम बड़े किस्मत वाले हैं, बड़ा गर्म अलहमदुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआएं कह रहे हैं, वाले की दुआएं कह रहे हैं, उनके पॉजिटिव काम कह रहे हैं, जिनका सिला हम सबको मिर्जा नवाजे जा रहे हैं, और बड़ी मेहरबानी है आपने हमें गवारा फरमाया। तो हम खुद हैरान हैं उन मामलात पर, उन वाकयात पर जो हमारे आसपास हो रहे हैं, और रही बात किस्मत की तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ लकी हूँ जी, सही, मैं खुद मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ मांगी अल्लाह से शुक्र, वो बगैर मांगे वो मार रहे हैं, अभी तो चल नहीं रहे उनके रस्ते, सही, अभी तो उनके महबूब के रस्ते को फॉलो नहीं कर रहे सही से और तमाशे देख रहे हैं, सही, करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? बेशक वो फरमाते हैं ना, अल्लाह पाक के महबूब कौन? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, आप जैसा ना था ना है ना होगा, ठीक, और ये सिर्फ मुसलमान नहीं मानते, दुनिया मानती, किरदार को लेके भी, एज ह्यूमन बीइंग, एज इंसान को भी लेके, तो फरमाते हैं आप हुजूर को फॉलो कर लें, आप भी महबूब बन जाए, सही सही बेशक, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के महबूब, आप हुजूर को फॉलो कर लें सरकार मदीना को, आप भी रब के महबूब बन जाएंगे, फिर मांगेंगे नहीं, जो चाहेंगे वो होगा, महबूब तो महबूब है ना, ठीक सही। तो मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं आपको फॉलो कर नहीं रहा सही से जैसे करना चाहिए, मैं अभी कोशिश है, शौक है, नहीं कर, ठीक, और मैं तमाशे देख रहा हूँ, मैं जो करूंगा तो क्या हो जाएगा फिर यार? बेशक अब सर बेहतरीन चीजें और भी मुयसर आएंगी, तो
हर चीज आपने सिर्फ बोली नहीं है, करके दिखाई है। सरकार मदीना ने सब करके दिखाया। हम तो कर भी नहीं सकते, हम नहीं बांध सकते पेट पे पत्थर अपने यार, हम नहीं सो सकते फर्श पर पत्थर को तकिया बना के, हम वाकई नहीं कर सकते यार। हम मतलब अपना समय क्या कहूँ मैं, दंडान मुबारक शहीद और इस तरह की सख्तियां नहीं बर्दाश्त की, सुन्नती है ना, तो ये तो हम नहीं कर सकते। सीरत नबी पढ़े तो भी पता चलेगा कि क्या क्या मामला गुजरे हैं। ये आप इसीलिए फरिश्ते पूछ रहे हैं आपसे, हुक्म करें हम सोने के पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ों को सोने का बना देते हैं, आप हमारे लिए वो तो कहते हैं, कहते हैं पहाड़ मिला भी दें फिर भी करम फरमाया, करके दिखाया ना। हाँ माफ करना, वो अगला आके धमकी दे रहा है, मैं सब बैठे हुए साथ, हस्तियां बैठी हुई सारी, चिरे खुदा बैठे हुए साथ, वो कल वो कह रहे हैं आके कि मैं आपको कल का सूरज नहीं देखने दूंगा, आप हमारे कल की कल देखी जाएगी, अभी तुम ये तकिया ले जाओ, चादर ले जाओ, रजाई ले जाओ, ये आपके ना, इससे बड़ी करामत क्या होगी शायद, इतनी ताकत होने के बावजूद यार। वो तो इंतजार कर रहे थे हुक्म करे इसकी बोटी नहीं मिलेगी, लेकिन माफ करना, दरगुजर करना, एहसास। और फिर ये मैंने आपको राज शेयर कर दिया कि कुछ नसीबी भी सज्जाद हमारी इसी वजह से कम उम्मत महमूदिया में से हैं, हम लकी भी इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया। अक्सर ना एक किताब पढ़ते हैं, अक्सर अक्सर मैं उस किताब का नाम बता रहा हूँ आपको, उस किताब का नाम है बहरे जमा बहरे जबां, बहरे जमा हर जमाने में, बहरे जबां हर जबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस किताब के अंदर ना हमारे जितने दूसरे मजाहिब के भाई लोग हैं ना, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, ईसाई बरादरी, इन्होंने नात शरीफ लिखी है हुजूर की शान में, और सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पता क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि ठीक है हम दूसरे मजहब में पैदा हो गए, लेकिन हमारा दिल आपसे जो है ना अटैच है, हमें आप पसंद है, सच्चे लोग हैं ना, तो आप इसलिए पढ़ते कि हमें शर्म आए, हमें पढ़वाते पढ़ते फरमाते ही देखो यार हिंदू भाई क्या कह रहा है, सिख भाई क्या कह रहा है, ईसाई भाई क्या कह रहा है, हमें ठेके में मिल गया, हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, वो फॉलो कर रहे हैं हुजूर को। सही। तो ये प्रैक्टिस है की है, मैंने आपको नाम लेके बताया, ये होता मतलब कि जिनको हम समझ रहे हैं ना माशाल्लाह, हम जिनको हमारे सब कुछ है, वो तक आज भी सबक लेते जिससे मिल जाए, नहीं देखते कौन है क्या है ना, सबक मिल गया ले लिया, अच्छी चीज जहां से मिले ले लो, वो ना मत देखो कौन दे रहा है क्या 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 रहा है, मतलब है क्या। बहरहाल जी तो बस जी ये सब करवाया जा रहा है, सब खुद ब खुद हो रहा है, हमें नहीं पता कि कैसा मिलेगा। अब जैसे किस्मत वाला कहा आपने, तो मैं तो खुद मानता हूँ जी इस बात में, लोग दुनिया कहते हैं इसमें कोई शक नहीं जी, और जो लोग अक्सर जी मैसेजेस में आ रहा है बहुत कुछ, कई लोग जो है ना वॉइस मैसेज भेज देते हैं बड़े बहुत बड़े बड़े ना, तो मैं कई जवाब दे रहा होता हूँ, ज्यादा भी पता है आपको सैकड़ों की तादाद में जवाब दे रहा होता हूँ, वॉइस मैसेज ना किया कीजिए। और जो साफ बात है वो ये कि हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, सीधी बात, लेकिन ये सब आप लोगों की दुआओं से है। हमारे देखने वालों में मानने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं जी, जिनकी दुआओं से वो सब कुछ हो रहा है जिस पर हम भी हैरान हैं, हम खुद हैरान हैं कि यार कैसे हो रहा है ना, उनका शुक्र है अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि वो जरिया बना रहे हैं। तो जी आप लोगों ने किताब का नाम बताया, सही, चेक कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा तारुफ बताया है, सच्चे लोग हैं यार। तो प्यारे नबी जो थे वो रहमत लिल आलमीन थे, वो माशाल्लाह वो हर आलिम के लिए रहमत थे, और हमने इतने वाकयात पढ़े, यही बात वो लिखते हैं। सही। हिंदू डॉक्टर, सिख डॉक्टर, ईसाई डॉक्टर, प्रोफेसर सब लिख रहे हैं उसमें कि जी आप तो रहमत लिल आलमीन है, रहमत लिल सिर्फ मुस्लिमीन नहीं है, पूरे कायनात के लिए रहमत है आप, तो हम भी आपको फॉलो करते हैं, मानते हैं, हम नहीं आ सकते, कुछ बाउंड्रीज है ना, कानून है, उनको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन दिल से हम मानते हैं कि आप जैसा ना था ना है ना हो, इंसानियत यार। नूर की ताकत है, अल्लाह ने उनको नूर और अता फरमाएगा तो उनके पर्दे और खुल जाएंगे। मेरे पास एक किताब थी जामा मौजाद, तो ये जमालात मौजाद की ऐसी थी, तो मैंने उसमें ना हजूर सलम की जिंदगी में जितने भी मौजाद हुए थे, जिस जिस जगह थे, वो सारे उसमें किताब में जामे थे, तो मैंने सोचा कोई
आलम नहीं देखा था उसमें जो बयान ना किया हो, मतलब कोई ऐसा जैसे जमालात हवासात वो उस जगह ना उसमें उनके मौजूदात पहले भी, और इतनी बड़ी सकीन किताब थी। और मैं कहता नहीं सर कि आसान नहीं है माफ करना दर गुजर करना, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी करामत है सही। और मुश्किल है बहुत, लेकिन जब आप तौफीक मांगते हैं ना अल्लाह पाक से, कुछ काम नहीं होते हमसे तो मांगते हैं ना, फिर वो करवा दिए जाते हैं, फरमाते हैं मेहरबान करवाते हैं। बहरहाल जी सब आपके सामने है, करवाया जा रहा है, हम खुद हैरान है ढाई करोड़ अरब आबादी जिसको चाहती है पाना, मतलब देखना चाहती है। और बड़े मतलब तांत्रिक लोग आमिन हजरत, यानी कि दुनिया के अगर 7-8 अरब लोग देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं फर्ज करें, तो उसमें खुश नसीबी हमारे जिम्मे कि हम उसको रिकॉर्ड कर लिए। अल्लाह का नेमत है, शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन माशाल्लाह। दुनिया में सर सिर्फ एशिया में, दुनिया में लोग अच्छे हैं इसके जो है ना। बेहतर सही, तो बिल्कुल हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि किस्मत और दुआएं करम था है रहेगा, और बस कोशिश है जी सब आपके सामने। अल्लाह दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।